हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने दोस्तों iOS 18 का अपडेट इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस के ऊपर, तो जैसे कि मेरे पास है दोस्तों iPhone 11, आपके पास कोई भी डिवाइस हो जिसमें आप iOS 18 का अपडेट इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि हमको iPhone XR से iPhone XS में से जितने भी ऊपर डिवाइस हैं उसमें हमको iOS 18 का सभी में अपडेट देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको कौन कौन सी सिम्स है जो जिसको आपको जो है प्रिपेयर करके रखना है कि आपको अपने फ़ोन को जब आप अपडेट करना है, जैसे कि हमको आज 9 जून आप दे सकते हो, एंड देन हमको कल जो है अपडेट कलम को रात को देखने को मिल जाएगा 10 जून को। लेकिन आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो दोस्तों आपको कल ही आपको शाम तक या फिर आपको दोपहर तक अपने फ़ोन को प्रिपेयर करके रखना है, वो कौन सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको दोस्तों 3 से 4 टिप्स बताऊंगा आपको जिनको फॉलो कर रहे हैं, फिर आप अपने फ़ोन को अपडेट करना, आपका फ़ोन फिर सेफ रहेगा। सबसे पहले आपको दोस्तों आपके पास कोई भी GB का हो डिवाइस, जिसके पास जैसे कि मेरे पास है अभी है 64 GB वेरियंट, आपको ध्यान में रखना कि आपको जितनी भी आप अपने स्टोरेज से फ्री कर सकते हो उसको उतनी कर लो। जैसे कि अभी मेरे केस में देख सकते हो 56 मैंने की हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे स्नैपचैट की जरूरत नहीं है। 10 GB 8.5 GB से जो है गे रखी है, इसको मैं डिलीट ही कर दूंगा, मेरी 8 से 9 GB जो मेरी जो फ्री हो जाएगी। तो आपके पास कोई भी GB वाला हो, 128 हो, 256 हो, तो आपकी जो काफ़ी सारी फ्री है, तो आपका इंस्टॉल बड़े आराम से हो जाएगा, नहीं तो आपका जो है वैसे डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आप जब भी डाउनलोड होगा तो आपका वो एक तरह से हमको बीटा डेवलपर बीटा हमको देखने मिलने वाला साइज उसका काफी सारा देखने को मिलेगा। सो आपको दोस्तों अपना स्टोरेज को आपको जो है फ्री करके रखना है। उसके बाद आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको अपना जो है एप्पल आईडी का वो दोस्तों उसको जो है बैकअप बना के रख लेना है, अपने फोन का बैकअप बना के रख लेना है, ताकि आपका फोन जो भी एक तरह से जो है आपका कोई भी रिमूव वगैरह ना कुछ हो, आप एक तरह से फ़ोन में बैकअप वगैरह आएगा आप दे सकते हो। यहाँ पर आपको जो है बैकअप बना के जरूर रखना है, ताकि आपका कुछ भी डिलीट वगैरह ना हो, कुछ भी आपको जो है प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपने फ़ोन को अपडेट करने से पहले आप अपना फ़ोन जो है 80-90% चार्ज करके रखें ना, क्योंकि आप फिर आप दोस्तों बीच में चार्ज लगाओगे तो वो आपका दोस्तों अपडेट जो है स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा। उसके साथ ही आपको अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ जो है कनेक्ट करके फिर आप दोस्तों अपडेट करना, ना ही हॉटस्पॉट के साथ, ना ही अपने डाटा मोबाइल के डाटा के साथ, क्योंकि वो दोस्तों इतनी स्पीड नहीं होती, इसलिए दोस्तों वो काफ़ी आपका टाइम लगाएगा और आपका एक तरह से बहुत ज़रा स्लो अपडेट होगा आपके फ़ोन में। तो आपको जो है इन चीज़ों 3 से 4 चीज़ों को आपको जो है अपने फ़ोन के ऊपर तरह से जो आपको जो है तरह से अपडेट करके रखना है, अपने इन चीज़ों को आपको प्रिपेयर कर रखना है। उसके बाद आपको एक ऐप स्टोर में से जाना है, ऐप स्टोर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, अपडेट्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी आपको अपडेट्स देखने को मिलेंगे उनको आपको जितने भी आपको एप्लीकेशन का अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे भी आप देखते हो यहाँ पर मुझे एक ही एप्लीकेशन का देखने को मिला है, यहाँ पर जो भी मैंने ऑटोमेटिक के ऊपर किए हुए आप जब देखते हो यहाँ पर दो एप्लीकेशन को मुझे टूडे आज मेरे अपडेट हुआ है, देन कल भी 3 से 4 जो है मेरी कल हुई थी। सो आपको जो है इन सभी को जो है अपडेट कर लेना है, ताकि आपका कोई भी ऐप क्रैशिंग देखने को ना मिले। सो इन आपको 3 से 4 आपको टिप्स को फॉलो करके रखना है, ताकि आपका फोन एक तरह से फुल सेफ रहे अपडेट करने के बाद भी और आपका अपडेट करने के पहले भी। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स सो मच।